बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ हाजिर हूँ। आज देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। तो फॉरेनर्स जो है वो आज भी नेट सेलिंग में है। 1.42 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग की अगर बात करें तो 6.19 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है, जबकि 7.61 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है, जो नेट सेलिंग बनती है 1.42 मिलियन यूएस डॉलर। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.04 मिलियन की बाइंग की है, 2.38 मिलियन की सेलिंग हुई है, नेट सेलिंग है 1.34 मिलियन यूएस डॉलर। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 5.15 मिलियन की बाइंग की है, 5.22 मिलियन की सेलिंग है, नेट सेलिंग है 0.08 मिलियन यूएस डॉलर। तो फॉरनर्स, कॉरपोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज दोनों आज सेलिंग पे। लोकल्स में से जो सबसे बड़ा बायर है वो आज कंपनीज रही है, 6.58 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। दूसरे नंबर पे जो है इंश्योरेंस कंपनीज रही है, 2.48 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। बैंक पब्लिक डीएफआई ने 0.63 मिलियन की बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.09, जबकि एनबीएफसी की जानब से भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग हुई है। सेलिंग की अगर बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो आज मेन सेलर रहे हैं 6.32 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। ब्रोकर्स दूसरे नंबर पर हैं 1.97 मिलियन, और म्यूचुअल फंड भी जो है 0.09 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज सेलिंग पे थे। तो फॉरनर्स जो है उसको चेक कर लेते हैं, 1.42 मिलियन यूएस डॉलर की जो नेट सेलिंग की है उन्होंने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा की है। तो फॉरनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो बैंक्स, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में की है। अदर सेक्टर में 1.15 मिलियन यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, फिर ओएमसी में 0.19 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बैंक्स में जो है वो 0.37 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग जो है वो ईएनपी, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है, ईएनपी में 0.17 मिलियन, टेक्नोलॉजी में 0.34, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.08 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है फॉरनर्स ने। कंपनीज जो हैं वो आज की टॉप बायर रही हैं, 6.58 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है कंपनीज ने। तो कंपनीज को चेक कर लेते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की गई है। तो कंपनीज ने जो है वो ओएमसी और अदर सेक्टर में बाइंग की है, सबसे ज़्यादा बाइंग अदर सेक्टर में की है 7.67 मिलियन यूएस डॉलर की, और ओएमसी में 0.24 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो बैंक, सीमेंट्स और ईएनपी में आज सेलिंग पे थे कंपनीज वाले जो हैं। बैंक्स में 0.41 मिलियन की सेलिंग है, 0.71 मिलियन की सेलिंग है, सीमेंट्स में 0.41, जबकि ईएनपी में 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है कंपनीज की जानिब से। आज के दूसरे बड़े बायर इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं, 2.48 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस ने। तो इंश्योरेंस को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो सीमेंट्स, पावर एंड अदर सेक्टर में की है। ओवरऑल हर सेक्टर में उनकी बाइंग है। सीमेंट में 0.84 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, पावर सेक्टर में 0.24, और सबसे ज़्यादा जो है अदर सेक्टर में की है, 1.10 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस ने। आज की जो नेट सेलर रहे हैं वो इंडिविजुअल रहे हैं, 6.32 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल को भी चेक कर लेते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो इंडिविजुअल ने जो है ईएनपी, फर्टिलाइजर और अदर सेक्टर में सेलिंग की है, सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की है 7.08 मिलियन यूएस डॉलर की, और फर्टिलाइजर में 0.09, जबकि ईएनपी में 0.16 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग जो है वो सीमेंट्स, ओएमसी और बैंकिंग सेक्टर में की है, सीमेंट्स में 0.10 मिलियन, बैंक्स में 0.34, और सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो ओएमसी सेक्टर में की है 0.74 मिलियन यूएस डॉलर की। दूसरा जो है वो बड़े सेलर आज के ब्रोकर्स थे, 1.97 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है ब्रोकर्स ने भी। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रोकर्स ने भी जो सेलिंग की है वो सीमेंट्स, ओएमसी, टेक्सटाइल और अदर सेक्टर में की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की है 1.05 मिलियन यूएस डॉलर की, फिर टेक्सटाइल में 0.17 मिलियन की सेलिंग है, ओएमसी में 0.38, जबकि सीमेंट्स में 0.20 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की। म्यूचुअल फंड भी जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे, 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने भी। तो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं।
म्यूचुअल फंड ने जो है वो सीमेंट्स फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो सेलिंग की है। सीमेंट्स में 0.31 मिलियंस की सेलिंग है, फर्टिलाइजर में 0.12 और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 0.46 मिलियन यूएस डॉलर की। बाइंग जो है वो बैंक्स ईएनपी और अदर सेक्टर में की है। बैंक में सबसे ज़्यादा 0.46 मिलियंस की बाइंग की है, ईएनपी में 0.12 जबकि अदर सेक्टर में 0.31 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो ये आज का डाटा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का।